आपका अपना YouTube चैनल टेम्पल ऑफ संगीत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ हमारे अकेडमी के बहुत ही होनहार और सुरीले बच्चे जो कि बहुत ही मेहनती हैं। इतनी छोटी सी उम्र में शास्त्रीय गायन की लगन रखना आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है। और आज का जो हमारा विषय है वो है राग यमन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि राग यमन ये बिगिनर वाला राग है, इससे शुरुआत होती है। वैसे राग तो ये बहुत ही बड़ा है पर जब शुरुआत करते हैं तो इससे की जाती है। तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा, तो बेटा इस राग का जो थाट है वो क्या है? कल्याण। तो ये जो थाट है जिसका, ये है कल्याण थाट का, और इसका वादी गंधार और संवादी। यस। और इसका समय क्या है? हाँ, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो ये थी इसकी डिटेल्स। और इसकी जाति क्या है बेटा? हाँ, संपूर्ण संपूर्ण। तो और इसके आरोह और अवरोह हैं नी रे गामा धानी सा नी धापा मा का रे सा। इस राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग नहीं होता, इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। जो शुद्ध मध्यम है वो इस राग में वर्जित है और जाते समय पंचम भी नहीं लगता। तो चलिए अब हम चलते हैं राग यमन के आरोह की ओर। तीन बार ओंकार करेंगे। Thank you.
आरो अवरो और पकड़। तो अब हम चलते हैं इसकी बंदिश की ओर। इसकी बंदिश के बोल हैं, मोरी गगर ना भरन दे, पैया पड़त तोरी करत रान। ये है इसकी स्थाई। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मोरी गगर ना भरन दे, पैया पड़त तोरी करत रान। तो इसका अंतरा है, बार बार समझाय रही हूँ, बार बार समझाय रही हूँ, ढीठ लंगरवा इक नाही माने, हार गई मैं तो हार गई, हार गई मैं तो हार गई। चलिए अब हम इसको गाते हैं। ये इसकी जो स्टार्टिंग है, ये गगर ना भरन दे, ये नौवीं मात्रा से शुरू होती है। ये तीन ताल में निबद्ध है। तो जो मोरी है, मोरी सात मात्रा से, अगर गगरना आप गाते हो तो ये नौवीं मात्रा से होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि गगरना भी और मोरी भी किस प्रकार ये उठता है। तो पहले हम गाएंगे मोरी। मोरी Ni re sa ni da pa ma ka re sa, ni re ga ma da ni re sa ni da pa ma ka re sa.